Hey, hello students, how are you all? Welcome back in my YouTube channel Commerce Guru 40. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस स्टडीज. टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस की सीरीज में आपके लिए ये तीसरी वीडियो है बीएसटी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड. तो आज की ये वीडियो बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो टिल दी एंड आप इस वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो की हेल्प से गाइडेंस से आप अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करें और अपने टर्म वन और टर्म टू में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, स्टार्ट द वीडियो. सो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात, आपको प्रोजेक्ट में करना क्या है. तो आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है. ये प्रोजेक्ट का जो थीम है बेसिकली वो है, आपको ये डिटेल स्टडी करनी है कि जो हमारे पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. आप वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चूज कर सकते हैं. तो आपकी जो स्टडी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो रहेगी अ डिटेल स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन में ये आप एनालिसिस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको कैसे यूज किया जा रहा है, उनकी एप्लीकेशन कैसे की जा रही है. उसे आगे चलते हैं, हम लोग एक एक इंफॉर्मेशन अच्छे से ले रहे हैं. तो यहाँ पर बेसिकली मेरा जो थॉट है या जो मैं स्टडी जो कर रहा हूँ वो है हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेशन. यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय द फ्योल. तो फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर दोनों ने यहाँ पे प्रिंसिपल और टेक्निक दिया है. आप उन दोनों में से किसी एक प्रिंसिपल या टेक्निक को यूज करके आपको ऑब्जर्वेशन देनी है कि ये प्रिंसिपल उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी तरीके से यूज किए जा रहे हैं, कितनी अच्छे तरीके से उन्हें अप्लाई किया जा रहा है. तो हेनरी फ्योल के हमारे पास 14 प्रिंसिपल है. तो हमारी यहाँ जो स्टडी है वो इन 14 प्रिंसिपल पर रहने वाली है कि हाउ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सेलेक्ट किया है आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स गिवन बाय द हेनरी फ्योल. तो बस हमारी स्टडी इन्हीं 14 प्रिंसिपल रहने वाली है. तो क्या क्या करेंगे हम अपने इस प्रोजेक्ट में वो देख लेते हैं. हम आपकी ऑब्जर्वेशन जो रहेगी वो इन सब बातों पर डिपेंड होनी चाहिए. मीन्स आपको क्या क्या काम करना होगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर. जैसे कि आपको ये देखना है कि डिफरेंट स्टडीज और डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्टिंग स्पेशलाइजेशन, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज किया उसमें आपने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क को कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है, वहां पर इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से फॉलो करते हैं, अकाउंटेबिलिटी सबॉर्डिनेट की अपने हायर अथॉरिटी पर कैसे रह रही है, विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर और इक्विटी इन द यूनिट, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है इक्विटी है उसकी विजिबिलिटी कितनी है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस क्या रहेगा. तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल की ऑब्जर्वेशन हमें दिखानी है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में विद रिस्पेक्ट टू दी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल. अब इंडेक्स की बात कर लें कि इंडेक्स में आपको क्या क्या चीजें डालनी है. सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप मीनिंग उसका फीचर जो है वो लिख सकते हैं. उसके बाद हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस करेंगे, ब्रीफली उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और उनके साथ साथ आप जो भी सपोर्टिव पिक्चर्स हैं फोटोज हैं वो लगा सकते हैं. उसके बाद सेलेक्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देंगे कि वो कंपनी कब फॉर्म हुई थी, उसके किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का है और किस तरह के प्रिंसिपल्स वहाँ बेसिकली फॉलो किए जाते हैं. तो हमारी जो स्टडी है वो स्टडी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा. उसके साथ साथ फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में लाके ऑब्जर्वेशन बनाएंगे अपनी कि हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कितना वहां पे यूज किया जा रहा है. आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वेश्चनेयर पर बेस्ड हो सकती है. तो यहाँ पे आप क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे और वहां के एम्प्लॉय से उन्हें फिल कराएंगे, उसके बेसिस पर आप अपनी फाइनल रिपोर्ट और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और लास्ट में आपके पास रहेगा बिब्लियोग्राफी जिसमें आप बताएंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट में बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से गैदर किया, किस किन लोगों ने आपको हेल्प किया है. तो ये इंडेक्स और कंटेंट है जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला है.
तो ये इंडेक्स और कंटेंट आप अपने प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, इन पॉइंट्स के साथ आप अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपको क्या डालना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप मीनिंग, फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद आप हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल है, जिनको आप थोड़ा ब्रीफली क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे हेनरी फ्योल का, और उसके साथ साथ हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिर सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे आप, राइट अबाउट द प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड फॉर योर स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट। तो जिस कंपनी को आधार मान कर, बेस मान के आप ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट उस कंपनी के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में। हो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन रहने वाली है कि हाउ हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स हैव बीन अप्लाइड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आप लिखेंगे। वन बाय वन आप एक एक प्रिंसिपल के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे आफ्टर अ डिटेल एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन ये तैयार करेंगे, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लेंगे 20 वर्किंग एम्प्लॉय से जो ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट किया। तो उन्हीं के बेसिस पर आपकी फाइनल रिपोर्ट रहने वाली है, ऑब्जर्वेशन जो है आपकी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को कितना वहां पे यूज किया गया, कितना नहीं किया गया। फिर आपकी कॉन्क्लूजन और समरी रहने वाली है, जिसमें आप अपनी टोटल फाइंडिंग जो है, मतलब आपने जो ऑब्जर्व किया है वाइल गोइंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, की वहां पर हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया या नहीं किया, कितना किया या नहीं किया, क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा क्या नेगेटिव रहा, ये सारी फाइंडिंग जो है आप कॉन्क्लूजन में दे सकते हैं और देन फाइनली बिबलियोग्राफी। अब हम बात करेंगे अपना सैंपल प्रोजेक्ट की और। ये सैंपल प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है कि किस तरीके से BST का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर प्रोजेक्ट हमारा बने। चलिए शुरू करते हैं सैंपल प्रोजेक्ट बिजनेस स्टडीज का, जो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है इस सेशन में। तो इस प्रोजेक्ट से आपको भी प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएगी किस तरीके से आपको काम करना है। तो चलते हैं इसकी ओर। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट पेज, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि प्रोजेक्ट में आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपने टीचर, अपने स्कूल के एफर्ट को। फिर सर्टिफिकेट होगा स्कूल की तरफ से कि आपने ये काम खुद किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर। इंडेक्स पेज यहाँ पे इन्होंने दिया, जैसे इंट्रोडक्शन है, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल को यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लिया विशाल मेगा मॉट, और इसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल की एप्लीकेशन को दिखाने की कोशिश की। क्वेश्चन एयर बनाया, फिर समरी, कॉन्क्लूजन, देन बिब्लियोग्राफी बताया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या रहने वाला है, ये पेज आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, पहले हेनरी फ्योल के बारे में आप लिखेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनकी जो भी किताबें आई हैं, जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं उनका आप इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो इस तरीके से आप एक एक प्रिंसिपल को पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, 14 प्रिंसिपल को। जो सपोर्टिव पिक्स रहेंगी, फोटोज रहेंगी, वो आप लगाएंगे ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफी अट्रैक्टिव और क्रिएटिव लगे। तो इस तरीके से आप हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल है उनके बारे में आप ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर उसके बाद विशाल मेगा मोड जो है, विशाल मेगा मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन 14 प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कॉन्क्लूजन में। तो यहाँ का जो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बेसिस पर ये डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो है विशाल मेगा मोड। तो विशाल मेगा मोड में हमारे जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से अप्लाई किया गया है, वहां ये डिटेल एनालिसिस है, उसके ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो विशाल मेगा मोड के बारे में इन्होंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया, उनका इंडस्ट्री कहाँ है, एरिया क्या क्या कवर करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको एक ब्रीफ प्रोफाइल देना है जो भी कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये विशाल मेगा मोड के बारे में डाला है कुछ डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग्स। उसके बाद फिर इन्होंने एक एक प्रिंसिपल को लेकर डिटेल एनालिसिस किया कि सपोज डिवीजन ऑफ वर्क है तो हाउ डिवीजन ऑफ वर्क इज फॉलोइंग, अगर वहाँ इक्विटी है, स्केलर चेन है। तो इस तरीके से हर प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से विशाल मेगा मोड को यहाँ पर इन्होंने डिटेल एनालिसिस किया है, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट प्रिंसिपल का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो दिखाने की कोशिश की है। तो आप भी इस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन में ही
आप अपने 14 प्रिंसिपल की एप्लीकेशन को डिटेल एनालिसिस के साथ दिखाएंगे। तो जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि एप्लीकेशन इन विशाल मेगा मोड हर प्रिंसिपल को लेकर उन प्रिंसिपल के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बारे में बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम 14 प्रिंसिपल जो भी होंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू द विशाल मेगा मोड। फिर क्वेश्चनेयर बनाया गया है, क्वेश्चनेयर बेसिकली इसी बात से रिलेटेड है कि 14 प्रिंसिपल जो हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी कितनी सही है। तो हम जो भी हमारे वर्कर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलमोस्ट 20 वर्कर्स से हम ये क्वेश्चनेयर फिल करा लेंगे और फिर एक समरी तैयार करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनेयर। एंड देन फाइनली अपना एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करेंगे। कॉन्क्लूजन में हम ये बातें लिख सकते हैं, हमारी जो फाइंडिंग्स है विशाल मेगा मोड में, आपने ये एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल को चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो कहाँ किस तरीके से जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो विशाल मेगा मोड में फाइनली अप्लाई हुए, वो कितने यूजफुल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक कॉन्क्लूजन के अंदर हम डाल सकते हैं। फिर फाइनली हम बिब्लियोग्राफी डालेंगे, रेफरेंस जहाँ से हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हेल्प लिया, जैसे बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, या आपने टीचर की गाइडेंस है, उन सबको आपने यूज किया। सो दिस इज हाउ यू कैन कम्प्लीट योर प्रोजेक्ट बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर ऑलमोस्ट 12th क्लास के सभी स्टूडेंट जो हैं वो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो काफी अच्छा हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ये डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि भाई 14 प्रिंसिपल किस तरीके से हमें यूज करने हैं, और आपको 14 प्रिंसिपल की जो एप्लीकेबिलिटी है उनके बारे में भी पता लगेगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बाकी अदर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट की वीडियोस के लिए आप बने रहें, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वीडियोस को देखें, लाइक भी करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की मैं लाता रहूं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।